तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बेसन के शक्कर पारे बनाने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि होली स्पेशल वीडियो जो आजकल मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो होली स्पेशल में बेसन के शक्कर पारे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो इसके लिए मैंने 200 ग्राम बेसन लिया है और 2 चम्मच देसी घी लिया है। फ्रेंड्स, क्या करना है, सबसे पहले हम बेसन को गूंदने वाले हैं, तो बेसन का आटा रेडी करेंगे। तो मैंने एक बाउल यूज कर रहा हूँ जिसमें मैंने बेसन को ले लिया है और इसमें जो मैंने 2 चम्मच देसी घी लिया है, तो देसी घी मिक्स करेंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। घी को मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका हम आटा गूंदेंगे। तो आटा थोड़ा सा सख्त गूंदेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करेंगे बेसन को। तो फ्रेंड्स, हमारा जो बेसन का आटा है वो रेडी हो गया है। तो अब क्या करना है, इसको मैं ढक के रखने वाला हूँ। तो 10 से 15 मिनट के लिए इसको हम ढक के रख देंगे, तो हमारा जो बेसन है वो अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, 15 मिनट हो गए हैं और हमारा बेसन सेट हो गया है। तो यहाँ पर शक्कर पारे को मैं सुंदर सा साइज देने के लिए, सुंदर सा डिजाइन देने के लिए मैं बेलन यूज कर रहा हूँ, मैं चकला यूज कर रहा हूँ और मैं एक चाकू और एक मैं कांटा यूज कर रहा हूँ। तो चलिए अपने सुंदर से शक्कर पारे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक बार बेसन खोल के देख लेते हैं। तो बेसन को मैंने काफी हार्ड रखा है, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं किया है। तो सबसे पहले हम बेसन की छोटी छोटी लोई बना लेंगे इस तरीके से। इस तरीके की हम छोटी छोटी लोई रेडी कर लेते हैं। हमारी लोई रेडी हो गई है और ये 200 ग्राम बेसन में लगभग 4 लोई मैंने रेडी किए हैं। तो फ्रेंड्स, अब क्या करना है, इसको हम इसकी रोटी बेलने वाले हैं। तो जिस तरीके से हम इसकी रोटी बेलते हैं, उस तरीके से हम इसकी रोटी बेल लेंगे। इस तरीके से हम इसको काट देंगे। इस तरीके से मैंने इसको काट के अलग कर लिया है और 20 से पीस कर लिए हैं। तो एक पूड़ी जो मैंने रेडी की थी, 12 पीस रेडी हो गए हैं उसमें। तो आप बड़ी पूड़ी बना के थोड़े और भी पीस निकाल सकते हैं। तो इस तरीके का एक पीस को लेना है। तो अब मैं कांटे की हेल्प लेने वाला हूं। तो इस तरीके से इसको हम कांटे पे रखेंगे और इसको थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे इस तरीके से और इसको हम फोल्ड कर देंगे। तो आप देख रहे हैं, एक सुंदर सा बढ़िया सा डिजाइन बन गया है। ये बहुत ही आसान है। तो इसी तरीके से हम सारे पीस रेडी कर लेंगे। तो इस एक प्लेट में इसको इस तरीके से हम रखते रहेंगे और अपने पीस रेडी करते रहेंगे। हमारे सारे पीस रेडी हो गए हैं और आप देख रहे हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा डिजाइन दिया मैंने। तो आप जरूर एक बार इस तरीके से ट्राई करें। तो चलिए इनको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने शक्कर पारे फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में देसी घी लिया हुआ है। तो मैं देसी घी यूज कर रहा हूँ, आप चाहे तो ऑयल यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने चाशनी बना के रखी हुई है। तो चाशनी का वीडियो देखने के लिए आपको मेरा गुजिया का वीडियो देखना पड़ेगा या मैंने साई शक्कर पारा रेडी किया था उसका वीडियो देखना पड़ेगा। तो दोनों में मैंने चाशनी का वीडियो ऐड किया हुआ है। तो चलिए अपने बेसन के शक्कर पारे फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। तो ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं किया है मैंने, ऑयल को मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है मैंने और अभी ऑयल हमारा तेज गर्म नहीं हुआ है। तो इसमें हम सारे पीस डाल देंगे और इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे धीरे धीरे हम फ्राई करेंगे कि उससे क्या होगा, ये हमारे जो
बेसन के शक्कर पा रहे हैं बहुत ही खस्ता बनेंगे और बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि बहुत ही धीमी धीमे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है इसको। तो इसको पकाने में लगभग 10 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि जितना आप लो फ्लेम पे पकाएंगे उतना ही ये क्रंची और बहुत ही खस्ता बनेंगे और बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। तो हमारे फ्रेंड्स जो बेसन शक्कर पा रहे हैं तो बिल्कुल ये ब्राउन टाइप के हो गए हैं, मतलब अच्छी तरह से बिल्कुल करारे कर लिए हमने। तो चलिए अब मैं इनको निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने गैस को बंद कर दिया है और इनको हम एक छलनी में निकालेंगे। तो मैंने इनको निकाल लिया ऑयल से और 10-15 सेकंड के लिए इस तरीके से हम रखेंगे, तो जो भी हमारा एक्स्ट्रा देसी घी होगा वो कढ़ाई में निकल जाएगा। और फ्रेंड्स क्या करना है, तो यहाँ पर मैंने चाशनी रेडी करके रखी हुई है, तो अब इनको हम गरम गरम ही चाशनी में डालने वाले हैं। इस तरीके से हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, तो हमारी जो चाशनी है वो अच्छी तरह से और इसी तरीके से 10-15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, तो चाशनी हमारी बिल्कुल अंदर तक और अच्छी तरह से चली जाएगी। तो फ्रेंड्स हमारे बेसन के शक्कर पारे बनके रेडी हो गए हैं और देखने में ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट हैं। तो आप एक बार जरूर ट्राई करें। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं होली पे बहुत सारे वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ मैं आपसे। थैंक यू।